हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज जो है वो मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर जो है वो आप समझेंगे सीखेंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करना होता है, कोई भी गैस फी यूसेज कैसे करनी होती है, कोई भी अगर टोकन लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी जो गैस फी लगती है, जैसे कि BNB में, मेटिक के अंदर और इथीरियम के अंदर, तो उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से आप परचेज़ करते हैं, किस तरीके से जो है वो आप अपने डिफरेंट वॉलेट के अंदर जो है वो उसको सेंड करते हैं। तो अभी जो है वो मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने हर एक फ़ीस को थोड़ा थोड़ा लेके आया हूँ, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर फ़ी रखते हैं और उसके बाद जो है अपने कहीं भी अभी सेंड करते हैं और किस तरीके से आप रिसीव करते हैं। तो सिंपल, पहले तो आपने अपना एक ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना लेना है, जिसका ये जो है वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जिसके अंदर आपके फंड्स जो है वो सिक्योर होते हैं थ्रू आपके जो फ्रेजेस होते हैं उसके। आपके फ्रेजेस होते हैं 12 वर्ड कीज़, 24 वर्ड कीज़ जो है वो आपके फ्रेज होते हैं, जो कि आपके संभाल के रखने होते हैं। वो अगर आपसे मिस हो जाएं तो वो फिर उसके बाद आप उस अकाउंट को जो है रिकवर नहीं कर सकते। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसका कि अगर आपके पास कीज़ हैं तो आप कहीं भी हैं दुनिया में तो आप अपने वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल, पहले तो हम आप यहाँ पे बना लेते हैं एक अकाउंट। सिंपल, यहाँ पे आप वो मेन वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड। जब आप ऐड करेंगे, आपके पास जब आप डाउनलोड करेंगे ट्रस्ट वॉलेट, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, तो आपने सिंपल कर देना क्रिएट न्यू वॉलेट। तो यहाँ पे दो आ रहा होगा, एक आपके पास जो है सीक्रेट फ्रेज, तो आप सीक्रेट फ्रेज के ऊपर बनाएंगे, सिंपल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद बैकअप मैन्युअली, बैकअप गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से आप इसको बैकअप करना चाहते हैं। आप अगर सिंपल अपनी गूगल ड्राइव के थ्रू बैकअप करना चाहते हो तो वो एक सिक्योर एरिया हो जाएगा, और बैकअप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप कहीं भी जो है वो आपके पास कीज़ आ जाएंगी, जिसको आप मैनुअली अपने कॉपी पे या उसकी स्क्रीनशॉट लेके जो अपने पास रख सकते हैं। तो सिंपल, मैं जो है अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो है इसको सेव कर लेना है। करने के बाद जो है आपके पास सिंपल अकाउंट क्रिएट हो गया। आपके पास जैसे अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपके पास ये बैकअप का दे रहा होगा ऑप्शन, तो आपने अपना अकाउंट बैकअप लाजमी कर लेना है, जो भी आपके 12 वर्ड कीज़ या 24 वर्ड कीज़ होंगी वो आप सेव करके रखना है, ताकि कहीं भी आप ओपन कर सकें। तो यहाँ पे आपने जो है वो वॉलेट को बना लिया है। वॉलेट बनाने के बाद जो है सिंपल, मैं आपको अपने मेन वॉलेट के ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरे पास हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो फीस पड़ी हुई है, तो उस फीस को आपने कैसे सेंड करना होता है, कैसे बाय करना होता है। तो सिंपल, बाय सेल तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, बट यहाँ पे फीस इसकी थोड़ी एडवांस होती है, थोड़ी अलग होती है जी। तो यहाँ से भी आप बाय या सेल कर सकते हैं अपने टोकन को। पहले जो है हम इसको चलेंगे इस तरफ, सेंड एंड रिसीव के ऊपर, कि आपने सेंड कैसे करना है और रिसीव कैसे करना है। जैसे कि आप TRX के ऊपर हैं, TRX आपने जो है वो कहीं पे भेजना है, ट्रॉन TRC को आपने कहीं भेजना है, तो सिंपल आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जस्ट अपनी अमाउंट रख देंगे, और एड्रेस आपने कौन सा लेना है, आपने जो एड्रेस लेना है वो TRX का एड्रेस लेना है, TRC20 का। तो आप वो TRC20 का एड्रेस जो है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, कहीं भी दूसरे वॉलेट के अंदर आपको सेंड करना हो तो वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप BNB के अंदर आ जाए, OPBNB के अंदर आ जाए, तो वो जो उसका चैनल है, चैनल आपने क्या समझना है कि ये जो चैनल है इसका, इसको आपने अपने पास रखना है। जैसे कि अब मुझे फीस चाहिए है BNB स्मार्ट चेन के अंदर, और आप मुझे OPBNB की फीस सेंड कर देंगे तो वो फीस नहीं रिसीव होगी। ये काम वर्क कैसे करता है, जिस तरीके से आप अपने बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं, तो बैंक के बीच के अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो एक सेम पेज के ऊपर होनी चाहिए, एक सेम चैनल के ऊपर होनी चाहिए, तभी वो आपको रिसीव होती है, वरना वो आपको रिसीव नहीं होगी। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी आपका चैनल जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि OPBNB है, तो अगर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो सेंडर का जो मेरे पास एड्रेस होगा वो भी OPBNB का ही होना चाहिए, ताकि उस तक फीस पहुँच सके। इसी तरीके जस्ट इसको आपने फॉलो करना है, और आप कोई भी फीस जो है, चाहे वो इथेरियम की हो, BTC आपने सेंड करना हो, BNB करना हो, तो आप इजीली इसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें कि बाय सेल के ऊपर, तो आप सिंपल यहाँ वॉलेट से भी बाय कर सकते हैं, और एक और एडवांस ऑप्शन होता है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जाके जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कौन सी होती हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, ये सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, क्यूकॉइन, बायबिट, MEXC, HTX, FMCPay, Gate.io, Binance, OKX, BitGet, हैशकी ग्लोबल, BoxRedX, ट्रेडिंग व्यू एंड इक्सवी, ये सारी जो है आपके पास एक्सचेंजेस है। तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मकसद ये है कि मैं एक पूरी एक
प्लेलिस्ट लेके आना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से जो अभी न्यू कमर्स हैं जो आना चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर, तो वो किस तरीके से अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सके, अकाउंट को बनाने के बाद उनको पता हो कि हम अगर खुद से करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल बाइनेंस के ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ से जो है कोई भी फीस आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने बाइनेंस के आपने सिंपल आके केवाईसी वगैरह कर लेनी, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा मैं कि केवाईसी किस तरीके से करनी है और क्या इसका प्रोसीजर होगा। तो सिंपल यहाँ पे ट्रेड के ऊपर आने के बाद जो है यहाँ से आप कोई भी, जैसे बीएनबी है, मैं आपको बीएनबी परचेज करना हो तो आपने सिंपल कर लिया बीएनबी, आपने बोला कि मुझे एक बीएनबी चाहिए, तो ये आपका 589 का डॉलर्स का हो गया। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगी ये चीज़ें। तो यहाँ स्पॉट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, मतलब अगर आपने परचेजिंग करनी है तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, वहाँ परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद आपने सिंपल जो है वो यहाँ से बीएनबी से अपना बैलेंस जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है अपने वॉलेट के अंदर, जहाँ पे भी आपको नीडेड हो। तो सिंपल जो है वो इस तरीके से, अभी मेरे पास बैलेंस जीरो है तो आपको सिंपल मैं बता दूंगा। यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना जो है वो चैनल सिलेक्ट करेंगे, चैनल सिलेक्ट करने के बाद पहले कॉइन आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरे पास आ रही है ये है, उसको हमने क्लिक कर लिया सेंड वी क्रिप्टो नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पर नेटवर्क आ रहा है, जैसे बीएनबी का मैंने आपको बताया था ओपी बीएनबी एंड बीएनबी स्मार्ट चेंज, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे चूज नेटवर्क आ रहा होगा। जैसे अब ERC20 आ रहा है तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैं अपने पेमेंट रखूंगा कितनी पेमेंट है, और यहाँ पे एड्रेस लाऊंगा। तो एड्रेस में वहां से लाऊंगा तो वो एड्रेस होगा REZ का इथेरियम बेस नेटवर्क, तो वहां का उसका जो एड्रेस होगा वो मैं यहाँ लाके उसको विड्रॉ करूंगा, तो वहां पे फी हमारी रिसीव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने कहा आप लोग को बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि किस तरीके से आप लोग जो है ना वो परचेजिंग करनी है, अपने वॉलेट के अंदर लेके आने अपने फंड्स को। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके, क्योंकि एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही है तो आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो आपने इन चीज़ों के अंदर आना है, सीखना है बिटकॉइन के अंदर, ब्लॉकचेन्स के अंदर, और किस तरीके से आपने बाय सेल करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।